हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, कोई नई खुशी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, एक जनरल प्रिडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए लिब्रन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लिब्रन, आपकी लव लाइफ की एनर्जी इस टाइम पे कैसी है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लव लाइफ की एनर्जी इस टाइम पे कैसी है। तो पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, द हैंगमैन रिवर्स में, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। इनको थोड़ा सा यहां रख देते हैं। लिब्रन, आपकी लव लाइफ की एनर्जी के लिए कार्ड कहते हैं कि चैलेंजेस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां आप अपने पास्ट में करी थी, आपके रिलेशनशिप में जिस भी तरीके की कोई परेशानी थी, या आपके पार्टनर को आपसे शिकायत थी, या आपको अपने पार्टनर से शिकायत थी, आप वही सब चीजें जो हैं वो दोबारा कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाए, एक सेटिस्फेक्शन मोड में आप जाना चाहते हैं, अपनी विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं, बट एक्शन बहुत ही जरूरी होता है। और आपका एक्शन कहता है कि अगर कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा था, या जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह की शिकायतें थीं, आप दोबारा से वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ में मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। अगर वो काम करता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। यहां पर मुझे नेगेटिविटी ज्यादा नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में। एक आउटकम आपकी रिलेशनशिप का यही है कि चीजें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। एक बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एक बंदा बिल्कुल कुछ करने के ही मोड पे नहीं है, और बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं है। सामने से आपके रिलेशनशिप में चीटिंग है, दुख है, तकलीफ है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में है और उसके साथ आप बात करना चाहते हैं, या डेटिंग पे जाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से, तो याद रखिए आपका नतीजा जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये लिब्रन इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। हम चाहते बहुत कुछ हैं और यही चाहते हैं जिसे हम पसंद करें वो भी हमें पसंद करें, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी आपको पसंद करे। काफी डार्क एनर्जी है यहाँ पर, आपके कोर्ट कचहरी तक हो सकते हैं, और हो सकता है कोई बंदा आपके लिए सही ना हो तो काफी नुकसान वो आपको पहुंचा सकता है। ये हर तरह का नुकसान हो सकता है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो अकेले मत जाइए। रिलेशनशिप की एनर्जी जो है आपकी स्टकनेस वाली है। देखते हैं इस समय लिब्रन की आप जिस पार्टनर्स को याद कर रहे हैं, चाहे आपकी उससे बातचीत है या नहीं है, तो आप उसका मन में नाम लीजिए, उसको याद कीजिए। देखते हैं उनकी इस टाइम पे आपको लेके क्या एनर्जी है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी थी, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके क्या है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अपने पार्टनर का आपको मन में नाम लेना है, सोचना है उनके बारे में। प्लीज डिवाइन, लिब्रन के पार्टनर की एनर्जी, उनके बारे में उनकी सोच इस समय क्या है। चंद्रमा का कार्ड है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, बिल्कुल किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचने वाली उनकी कंडीशन है। सेवन ऑफ वेंड्स है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, एग्जेशन है। आपके पार्टनर के मन में भी यही चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके, और उनकी निजी जिंदगी में भी यही चल रहा होगा। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एनर्जेटिक वो कैसे बहुत ज्यादा है, बट इस टाइम पे इस रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी ठीक नहीं है मुझे लगता है।
बहुत जबरदस्त वो एक डिफिकल्ट चॉइस में फंसे हुए हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। लिब्रन के पार्टनर जिनसे उनकी बातचीत बंद है और इनके रिलेशनशिप के बारे में उनकी एनर्जी, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। टू ऑफ वेंड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए लिब्रन, आपके पार्टनर की इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी बनी हुई है एक रिलेशनशिप को और आपको लेके, वो टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में इस टाइम पे वो नहीं है। वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिस्थिति को चूज नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, जिसके लिए वो काफी हद तक मुकाबला भी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक निर्णय पर वो पहुंचना चाहते हैं कि कोई एक चीज हो जो मुझे पता चल जाए। और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। लिब्रन, आपके रिलेशनशिप में निश्चित ही थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो ग्रोथ होने के बजाय कहीं और ही किसी और दिशा में जा रहा है। लव की एनर्जी जरूर आई है रिलेशनशिप में, एक एनर्जी भी आई है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। ये रीडिंग जो एनर्जी आपके पार्टनर की निकाली गई है, बट जिसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो आगे आती है। इस टाइप के समय पे आपके पार्टनर जो है एक अट्रैक्शन में है, बहुत जबरदस्त उनको अट्रैक्शन है। ये आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। निर्णय पर तो देखिए जो उनकी सोच है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लव एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे आई है। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इंतजार करना किसी का, किसी के मैसेज का इंतजार करना, किसी के कॉल के इंतजार करना और किसी के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करना, किसी की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से खींचना। द लवर्स के कार्ड को क्लियर करते हैं। सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। उनको मुझे लगता है चुनौतियां ज्यादा लगी, इसीलिए कहीं और ज्यादा ध्यान है। सेवन ऑफ वेंड्स को क्लियर कीजिए। जो चैरियट का कार्ड है, देखिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं लाइफ में, प्यार का ही मुद्दा नहीं होता है। काफी चुनौतियां हैं आपके पार्टनर की लाइफ में भी काफी, और इसलिए रिश्ता भी उन्हें चुनौतीपूर्ण लग रहा है। प्लीज डिवाइन टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए। हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थिरता हो, बट यहां मुझे ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास एक चॉइस होती है तो रिलेशनशिप में चीटिंग यही मानी जाती है। सोर्स को क्लियर करते हैं। जस्टिस का कार्ड है। देखिए हो सकता है कि कभी आपने भी अपने पार्टनर के साथ में ऐसा किया हो, और अगर आपने किया है तो बदले में आपको वही सब मिला है। टू ऑफ वेंड्स को क्लियर कीजिए। देखिए इसमें भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। एक बंदा काफी चीटिंग के मोड में रहा है, जानबूझकर सामने से दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, एक बंदे को गलत फहमी में रखना। दोनों डेक से निकाला है और देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स दो बार आया है। दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा हुआ है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी तरफ से चीटिंग हुई हो या आपके पार्टनर की तरफ से हुई हो। प्यार था, डेफिनेटली प्यार था, लेकिन वो बदल गया किसी तीसरे के आने की वजह से, वो बदल गया।
एक एनर्जी बहुत है यहाँ पे। देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बंदा जो है मैच्योर एनर्जी में है, एज गैप यहाँ पे है, या तो आप अपने पार्टनर से बहुत छोटे हैं या आपके पार्टनर आपसे बहुत छोटे हैं। अगर ऐसा मैच होता है तो वो रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं करता है, यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के बीच में एज गैप काफी है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। प्यार है बट वो चीजें जो है वो काम नहीं कर रही है रिलेशनशिप में बिल्कुल भी। इस टाइम पे तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे उतनी अच्छी नहीं आई जितनी की आनी चाहिए। आगे देखते हैं लिब्रन की आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप उठा के आपके जीवन में वापस आएंगे या फिर कोई नेक्स्ट कोई और आपकी लाइफ में आने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए आने वाले टाइम में लिब्रा राशि की लव लाइफ कैसी होने वाली है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्या हो रहा है ये। हाई प्रिस्टिस, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में लिब्रा राशि की लव लाइफ क्या होगी। अगेन मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप अपने रिलेशनशिप में उम्मीद की किरण तो बहुत ज्यादा है। देखिए दिल टूटा हुआ है कोई बहुत बुरी तरीके से, ये आपके आने वाले टाइम में लव एनर्जी है। अगेन आप उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं, वही स्टकनेस बनी हुई है। अट्रैक्शन जबरदस्त आपको अट्रैक्शन है अपने एक्स पार्टनर को लेकर, बट स्टकनेस ही है। जब तक थर्ड पार्टी रिमूव नहीं होती है तब तक आपके पार्टनर के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। और जहां तक मैं ये बात कहूंगी कि अगर कोई थर्ड पार्टी है और आपका पार्टनर उसके इन्फ्लुएंस में है तो वो चीटर है, और एक चीटिंग वाले व्यक्ति के साथ में आप कैसे खुशियां ढूंढ सकते हैं। देखिए द टावर का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, यहां पे फाइव ऑफ कप का आया है। एक लोनलीनेस, एक अकेलापन, एक दुख, एक तकलीफ। दुख और तकलीफ में क्यों रहना, अगर आपने अपनी तरफ से किसी रिलेशनशिप में 100% दिया है, बावजूद अगर वो रिश्ता ग्रोथ नहीं करता है और आपका पार्टनर किसी और के पास चला जाता है, तो आपको उस रिश्ते के लिए क्यों अफसोस करना है। आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि समय रहते आपको पता चल गया। रिलेशनशिप में ग्रोथ बहुत जरूरी है, और यहाँ पे मुझे एक रिश्ता, देखिए अगर कहीं कुछ खत्म होता है तभी कुछ आगे नया शुरू होता है। दुख और तकलीफ ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते हैं, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। काफी अकेलापन, एक अकेलेपन में हैं आप, कुछ खो चुके हैं, दुख की कंडीशन में हैं, चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रही हैं। खास तौर से आपको अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, बट वो प्यार दूसरे के पास भी होना चाहिए आपके लिए, तभी आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। यहां मुझे इस रिलेशनशिप में फिलहाल ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। शिवन गाइड कीजिए। साइलेंस, कंपैरिजन, गोइंग विद द फ्लो। देखिए यहां पे आपको गाइडेंस बहुत अच्छी आई है। जो हो रहा है देखिए, कुछ चीजों को आप पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। खास तौर से आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को ही बदल सकते हैं। तो इतना टाइट अपना शेड्यूल, अपने आप को इतना टाइट मत करिए आप कि वो आप ही को परेशानी हो। एक चीज के पीछे ऐसा मत भागिए
गोइंग विद द फ्लो, हवा के साथ खुद को छोड़ दीजिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है, अगर आप उस गलत को सुधार नहीं सकते हैं, किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं, तो उसको रहने दीजिए। कंपैरिजन दो चीजों में नहीं हो सकता है, सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। कंपैरिजन मत करिए कि मैं इतना अच्छा हूं तो दूसरा भी हो जाए, और दूसरे के साथ में कि भाई दो लोगों के बीच में कि ये ऐसी है या वैसा है, ऐसा कुछ मत करिए। अगर आपको सही और गलत सामने से नजर आ रहा है तो वहां पे खुद को रोकिए, सोचिए कि अब आगे क्या करना है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, जो एक प्रेडिक्शन है, फिर भी एक कार्ड निकालते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ एक्स है या नेक्स्ट है। यहाँ पे मुझे एक्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस भी यही है कि परिस्थितियां जैसी चल रही हैं, अगर आप उनको सुधार नहीं सकते हैं तो एक चीज के पीछे मत भागिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आपको एक सजेशन देना है, सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है और बहुत ज्यादा दुख है, तो आप अभी इसी वक्त यहाँ पर रुक जाइए, और आपके साथ न्याय जरूर होगा, ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे, और जो सही होगा आपके लिए आगे वही होगा। अगर आपके आपकी किस्मत में आपका एक्स लिखा है तो आपका एक्स वापिस आएगा, और अगर नहीं लिखा है तो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अभी कोई डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, बट हाँ आपको यहाँ पे रुकने की सलाह दी जाती है। तो लिब्रन, ये राशि, ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जो कि अपने पार्टनर को, जिनसे बातचीत बंद है या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए हमने ये रीडिंग करी कि एक्स या नेक्स्ट। तो इस समय आपके एक्स के साथ में आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, और ईश्वर आगे आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो एक छोटी सी रीडिंग थी लिब्रन आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज, नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दोनों जगह मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग जो है फ्रेंड्स, वो पेड होती है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।